नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वोत्तर के सितारे में, हमारी खास पेशकश जिसमें हर सप्ताह हम आपका परिचय कराते हैं पूर्वोत्तर की एक ऐसी हस्ती से जिसने अपने काम और मेहनत के बल पर समाज में एक ऐसा विशिष्ट स्थान अपना बनाया है कि सब उनका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हैं, खासकर उस क्षेत्र के युवा। तो उसी श्रृंखला में आज हम आपका परिचय कराएंगे यानपवुओ किकोन से। नागालैंड से आने वाले एक होनहार युवा जिन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, नागालैंड से बहुत दूर गए पूना में नौकरी करने, लेकिन वतन की याद सताई, वापस लौटे घर और अब कई नए इनिशिएटिव्स उन्होंने नागालैंड के यूथ के साथ मिलकर शुरू किए हुए हैं। तो मिलवाते हैं आपको यानपवुओ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे को वक्त देने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प और मल्टी फैसेटेड शख्सियत है आप, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, कभी कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में यूथ के correct, लिए correct, yeah. कुछ सोशल नेटवर्किंग, नागा ब्लॉग्स, और फिर वहाँ के आर्टिस्ट के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको सही मंच मिले, सही बाजार मिले, उनको अपने काम का सही पेमेंट मिले, कीमत मिले, कई तरह की कोशिशें। लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की और पूना में नौकरी की, कब? सो इट वॉज अराउंड से 2008 से शुरू किया मैंने। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बॉम्बे से, तो मैंने सोचा ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग बैक टू नागालैंड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि सब लोग को ये एम्बिशन है लाइफ में, मोस्ट ऑफ द यूथ्स, क्योंकि वो ही सोशल स्टेटस डिफाइन करते हैं। इफ़ यू हैव गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट नौकरी है, तो ओके, योर लाइफ इज सेटल्ड। बट मैंने सोचा नहीं, आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम द सिटी, आई हैव टू सो मच टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, अबाउट अदर पीपल हु आर लिविंग इन द मेट्रो सिटीज। तो वो सोच के मैंने पुणे गया था। तो आई वॉज स्टेइंग विथ माई कज़न ब्रदर, और वहाँ से मेरा नौकरी ढूंढने के लिए चालू किया। फॉर्चुनेटली एक जॉब मिला छोटा सा, एंड देन आई हैड अ हम्बल स्टार्ट विद अ कंपनी कॉल्ड ई क्लर्क्स। तो एक एनालिस्ट का जॉब था, एंड वी यूज टू सर्व आर क्लाइंट डेल कंप्यूटर्स। तो वहाँ से स्टार्ट करके आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ऑटोमेशन, अबाउट सॉफ्टवेयर, अबाउट आईटी इंडस्ट्री। सो ग्रेजुअली वहाँ से इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मेरा टीम में वहाँ पे। लेकिन इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो, क्योंकि पीपल फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब मिल के काम कर रहा था, एंड वी वर सर्विंग अ क्लाइंट इन यूएस। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा था। और उसके बाद फिर नागालैंड लौटे, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे नागालैंड गवर्नमेंट के लिए आपने एक कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किया एक कंपनी के साथ, उससे जुड़े रहे, वो कैसा अनुभव रहा, क्या करते थे? सो या उसके बाद मैंने एक एक्सेंचर के साथ अपॉर्चुनिटी मिला था एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो स्पेशलाइजिंग इन ई गवर्नेंस। वो टाइम में इनिशियली डिजिटल इंडिया का ये सब कंसेप्ट शुरू हो रहा था। सो वो टाइम में आई वॉज वर्किंग विद एक्सेंचर इन ई गवर्नेंस। तो वहाँ पे एक स्टेट पोर्टल करके एक वेबसाइट स्टार्ट किया गवर्नमेंट के लिए। सो देयर सिटीजन्स इनिशियली वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कुछ गवर्नमेंट सर्विस एक्सेस करना है तो यू हैव टू वॉक ऑल द वे टू ऑफिस बाय बस जो भी है, और यू हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, यू हैव टू अप्लाई। सो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट वो सब खत्म करने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर कन्वीनियंस टू द सिटीजन्स, ये ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक, एफिशिएंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वगैरह वगैरह। सो वो इनिशिएटिव स्टार्ट करके हम लोग ने ये डिज़ाइन किया कि सिटीजन्स नो लॉन्गर हैव टू गो टू ऑफिस, डायरेक्ट स्मार्टफोन ओपन करो, लैपटॉप ओपन करके यू कैन फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म, यू कैन डू ऑनलाइन पेमेंट। सो फर्स्ट टाइम इन द स्टेट वैसा इनिशिएटिव करके इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। लेकिन नागालैंड में सरकार के साथ काम करते हुए कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया, दूसरे कुछ आईटी संबंधित इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन मन में कहीं ये हो रहा था कि काम खुद का करेंगे, अलग से करेंगे, सरकार के पैरेलल एक लकीर खींचेंगे, जनता को जोड़ेंगे अपने साथ, वो सब कैसे मन में आया? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? अराउंड 2008-2009
मेरा पेरेंट्स के साथ बैठ रहा था किचन में एंड वी वर एज यूजुअल डिस्कसिंग अबाउट करप्शन ये वो नागालैंड द रोड कंडीशन इज बैड नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मैंने सोचा जस्ट लाइक आर फैमिली देर मस्ट बी सो मैनी फैमिलीज इन सो मैनी किचन्स हु मस्ट बी डिस्कसिंग द सेम थिंग और वो टाइम में फेसबुक स्टार्ट हुआ इनिशियली सोशल मीडिया सो आई स्टार्टेड दिस ग्रुप कॉल्ड द नागा ब्लॉग फेसबुक में स्टार्ट किया मेरा फ्रेंड्स वगैरह वगैरह एड सबको ऐड किया वो ग्रुप में एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज उसमें वी ऑल्सो यूज टू एनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स तो इनिशियली 200 मेंबर्स था टुडे दिस मॉर्निंग आई थिंक वी हैव रीच्ड क्रॉस 98,000 मेंबर्स सो इन अ स्मॉल स्टेट लाइक नागालैंड वेयर पॉपुलेशन इज मे बी 15-16 lakhs and youth population maybe 5-6 lakhs it's a encouraging number almost about 7-8 years ago he could understand the importance of the digital media and the social media to connect people and then they became a very big force on giving views about you know what the young people think you see this is a very another visionary kind of a thinker yeah? So we are quite happy that and impressed that we have got young people coming up like that. Initially, only discussions tha. Gradually, hum log ne decide kiya we should not only talk the talk, lekin we should walk the talk. Ki jo social media mein ho raha hai, how do we impact in reality? How do we actually impact decision makers? To hum log ne ek it's a humorous kind of protest activism. Cyber activism tha, lekin actually in ground real activism ho gaya tha. We call it mission potholes. तो ऐसा जोक के तरफ से स्टार्ट किया था क्योंकि इन नागालैंड सो मेनी पॉट होल्स टू मेनी पॉट होल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली पीपल गेटिंग इंजर्ड ऑल्सो सपोज सिक वुमेन टेकिंग टू द हॉस्पिटल ऑन द वे टू हॉस्पिटल लाइक दे गेट मोर इंजर्ड बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन सो वी थॉट लाइक ओके सिंस वी आर नॉट एबल टू गो बाई कार ऑन द रोड लेट्स गो एंड डू फिशिंग एंड प्लान सम सैपलिंग्स ऑन द पॉट होल्स करके स्टार्ट किया वो वायरल हो गया सो दैट वॉज द फर्स्ट वायरल एक्सपीरियंस इन नागालैंड तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल द यूथ सब लोग निकल गया रास्ते में नागा ब्लॉग का टी शर्ट पहन के सम ऑफ देम स्टार्टेड प्रिंटिंग द टी शर्ट सम ऑफ देम गॉट वेरी क्रिएटिव वो स्विमिंग का गॉगल्स भी लेके आ गया एंड देन दैट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट सो एक्चुअली इट वॉज अ ह्यूमरस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट नॉट वायलेंट बट द गवर्नमेंट ऑल्सो लिसन टू अस तो वो दैट टाइम द डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट दूरदर्शन में हम लोग को बुलाया एंड देन वी हैड अ स्मॉल डिस्कशन एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड फिलिंग अप द पॉट होल्स तो फेसबुक में एनीबडी कैन स्टार्ट अ ग्रुप आई कैन स्टार्ट यू कैन स्टार्ट इट्स फ्री सो यू जस्ट स्टार्ट अ ग्रुप बट विद अ विजन सो इफ वी हैव द राइट विजन एंड द राइट अप्रोच आई थिंक मेनी पीपल विल जॉइन उसका हिसाब से मेरा फ्रेंड्स उसका फ्रेंड्स को ऐड किया सब लोग मिलके वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दिस इश्यूज इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड दिस इश्यूज बिकेम एक्शंस सो या तो भाई शुरुआत तो हुई जो सड़क पे गड्ढे होते हैं पॉट होल्स होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा के और उसमें सरकार ने भी सुनवाई की लोग भी जुड़े और इस तरह के कौन से कार्यक्रम चलाए क्या और कौन सी कैंपेन की फ्यू ईयर्स बैक एक्शन कमिटी अगेंस्ट करप्शन एंड अनअबेटेड टैक्सेशन इन नागालैंड बहुत सारा टैक्सेशन इश्यूज होता है एक्सटोर्शन वगैरह वगैरह बट नोबडी देयर रेज द वॉइस लेकिन यूजिंग सोशल मीडिया पीपल आर बिकमिंग नाउ बोल्ड मोर बोल्डर In Nagaland, people are shy to talk. But when it comes to social media, sab log keyboard warriors ho jata hai. Wo time mein account ka revolution shuru ho gaya. We should fight corruption and we should stop unabated taxation by all these different underground elements and things like that. They organized a rally in Dimapur. More than 40,000 people came. First time in my life and I think first time in history Nagaland ka, public willingly aisa aa gaya against corruption. So that time I was given the opportunity to speak on behalf of the Naga block. So hum log Naga block ka members bhi everybody came. So that was an amazing experience. Akaut movement is still going on. It's shaking the government and public. They are all supporting this movement against corruption. So in a way, social media ek role play kar raha hai to fight corruption and bring positive change in the society. Aur jo Naga blocks hai usme ऑफ कोर्स समाज से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सब मुद्दे तो उठाते हैं आप लेकिन आम जिंदगी रोज़मर्रा की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं जैसे किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको भी टैकल कर रहे हैं यस समथिंग लाइक दैट क्योंकि इन नागालैंड हम लोग का लोकल चैनल्स भी इतना नहीं है रिच न्यूज़पेपर्स आल्सो रूरल एरियाज दे रीच लेट एंड सडनली पीपल हैव स्टार्टेड टू यूज स्मार्टफोन्स
So Naga Blog has become one connecting platform. So using the platform, हम लोग ये blood donation भी करते हैं, free willing blood donation. We have more than 300 blood donors. So you have your location, आपका phone number, आपका blood group. So if I am from Kohima, मेरा mother या anybody is sick in the hospital require blood, Naga Blog में login करो and say I require A positive blood. I am in Oking Hospital, Kohima, example. So members, they start, oh, you require blood, let me come and help you. और हम लोग का blood donor document भी है. वहाँ पे ब्लड डोनर को कॉन्टैक्ट करके दे कम एंड गिव ब्लड फॉर फ्री. सो दैट इज सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी एनकरेज ऑल्सो. सो उसका हिसाब से मोर एंड मोर ब्लड डोनर्स आर कमिंग, सो सेव अ लाइफ, दैट्स गुड. एक पार्ट तो आपकी कैंपेनर यूम्फो का नागा ब्लॉग से, दूसरा एक बड़ा पहलू है शख्सियत का आपकी, वो है कि कैसे नागालैंड के जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं वहाँ के, उनको कैसे बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, कैसे उनके हुनर को दुनिया जाने, right. और कैसे उनको अपने टैलेंट की, अपने हुनर की सही कीमत मिले. इंडिया हार्ट, व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे और मे बी इन दिल्ली, न्यूज़पेपर्स में व्हेन एवर देर इज न्यूज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट और नागालैंड, वेरी रेयरली वी सी गुड न्यूज़. सो आई थॉट लाइक, अरे इन नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट इतना सारा टैलेंट्स है. सो आई थिंक देर शुड बी अ प्लेटफॉर्म where the world, where the country can see that Northeast also has lots of talents. Wo vision leke maine socha ek website open karo, but that time I don't know how to open design website. So I brought my brother, discuss kiya, usko thoda sa idea tha, then we read books online, watch YouTube tutorials how to make a website, karke ek website start kar liya. To dheere dheere se all these artists started to come. It was initially started as an e-commerce platform, but we decided it should be a promotional platform to promote new talents, identify new talents and help them sell their music. So uske hisab se start karke abhi I think we have about more than 240 artists and we have released more than 400 original songs. So students and freelancers, un log ko we train them, un log ko website design karne ke liye, un log ko bhi thoda sa pocket money mil jata hai. We have some small advertising slots, we sell music. Artists register to the platform, they are able to get the audience. And also we tie up, we organize a lot of live events. Live events we organize karte hai. So artists ko bhi platform mil jata hai live perform karne ke liye. And many of our artists, they are earning good money now. Live performance, some of our good artists, for one single live performance, un log ko 40-50,000 bhi they get paid. And new artists, suppose wedding mein jaake you perform, you get paid 10-15,000. So in a way, music industry is becoming reality. Mm. People are able to earn a livelihood through music, which is actually a blessing for us, no? So in that ways, recently hum log ne Radio City FM ke saath tie up karke, there was an award ceremony. Hum log ka ek India artist ko best indigenous music mila award category mein. To uska hisab se, yeah, it's promoting Northeast talents in Nagaland. To isko aur kaise बड़ा करना चाहेंगे और इसमें क्या एलिमेंट्स जोड़ने का इरादा है? लाइव इवेंट्स, दैट इज़ द वन मेजर प्लेटफॉर्म वेयर आर्टिस्ट कैन अर्न मनी. और जो भी टैलेंट्स है उसको वी हैव टू कनेक्ट देम टू द लाइव इवेंट मैनेजर्स. सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. फॉर एग्जांपल हम लोग का अभी थ्रू इंडिया बीट बॉक्स चैम्पियनशिप्स भी स्टार्ट किया था एंड वी ऑल्सो प्रमोट अ लॉट ऑफ बीट बॉक्सर्स. सो देर इज़ अ डिमांड फॉर बीट बॉक्सर्स. इन मुंबई वन देर इज़ अ कॉर्पोरेट इवेंट. So they called me up, they said, Yan, IndieHeart organized India Beatbox Championship. Can you give us 2-3 beatboxers for our corporate events? So I connected the beatboxers with the live events. So even these beatboxers got opportunity to perform in a corporate, they earned some money. To uska hisab se, talent management is the way forward for IndieHeart. I think with that approach, we should be able to, matlab aap jo keh raha tha, we should be able to scale and grow. Social networking? Naga Blogs, IndieHeart, म्यूज़िक आर्टिस्ट्स, और ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की आपकी एक और जो शख्सियत का पहलू है, बाइकिंग एक्सपीडिशंस, लोगों को ऑर्गेनाइज करना खेल के नाम पर, उसके पीछे क्या कारण था, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था. इन कोहिमा आप कोहिमा आया था, इज़ वेरी हिली प्लेस, बट इट्स ब्यूटीफुल प्लेस विद लॉट्स ऑफ ट्रैफिक जैम. तो बिकम्स डिफिकल्ट टू गो टू ऑफिस. तो मेरा एक फ्रेंड था लोलो, उसने बोला यान लेट्स गो टू डीमापुर बाई साइकिल.
ठीक है चलो लेट्स ट्राई. तो नागा ब्लॉक में एडवर्टाइज किया, एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू जॉइन साइकिलिंग टीम इन कोहिमा कम एंड जॉइन अस. तो वो लोग ने हंसा दिया कि बोला कि लाइक अरे हाउ विल यू साइकिल इन कोहिमा, कोहिमा इज अ हिली प्लेस, हु कैन साइकिल इन कोहिमा इज सुपरमैन. टुडे यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ सुपरमैन, बहुत सारा है. दे हैव स्टार्टेड राइडिंग साइकिल्स. सो फॉर एग्जाम्पल मैं व्हेन आई वॉज वर्किंग इन आई टी डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर था डिस्टेंस मेरा घर से ऑफिस. तो ऑन मंडे इफ आई ड्राइव टू ऑफिस, एक बार कैलकुलेट किया था मैंने, बाय कार इट टुक मी आई थिंक 1 hour 50 minutes टू एट अ डिस्टेंस 8 kilometers. नेक्स्ट मंडे सेम साइकिल लेके गया बाइक, ऑफिस आई रीच इन 18 minutes, 1:08. सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग फ्यूल आई बर्न फैट्स एंड थिंग्स लाइक आई वॉज वेइंग 74 kilos आई थिंक व्हेन आई वॉज इन पुणे. आई ईट लॉट्स ऑफ नाइस फूड, पाव भाजी, वड़ा पाव, वेरी नाइस फूड एंड नो एक्सरसाइज. बट आफ्टर कमिंग टू कोहिमा आई फील लिटिल फिटर एंड यंगर एंड नाउ राइडिंग द साइकिल यू आर एबल टू एन्जॉय द सीनरी इन कोहिमा, यू आर एबल टू रीच ऑफिस फास्टर. तो लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें, पर्यावरण फ्रेंडली भी रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहे. तो इस तरह के मूवमेंट्स के साथ और कितने लोग जुड़ रहे हैं, ये जो स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैंपेन चला रहे हो आप? इनिशियली नोबडी एक्चुअली सपोर्टेड द रेस. सोचा अरे ये पागल कौन माउंटेन से नीचे कौन साइकिल चलाएगा, ओके यू ट्राई ऑर्गेनाइजिंग. देन वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग, वी कलेक्टेड 5,000-2,000 रुपीज यहाँ से वहाँ से, फ्रेंड्स अंकल आंटी से वी कलेक्टेड सम मनी. Then we advertise again Naga blog, social media mein. And lots of racers from Shillong, I think Pune se bhi aaya tha race karne ke liye in the first race. Third race, Kohima downhill was huge. Tourism department ne recognize kar diya. Okay, this is a potential tourism, eco-tourism initiative. So tourism department ne support kiya. Then we had like Giant Bicycles, which is one of the biggest bicycling company in the world. उसने स्पॉन्सर किया प्राइजेस. वी हैड रेसर्स फ्रॉम नेपाल एंड इवन यूके कमिंग टू पार्टिसिपेट. पीपल टॉक अबाउट प्रमोटिंग नॉर्थ ईस्ट एज अ टूरिस्ट हब, नागालैंड एज अ टूरिस्ट हब, बट हाउ? आई थिंक दिस आर द इनिशिएटिव्स दैट वी कैन यूज एज अ प्रोटोटाइप. एक प्रोटोटाइप के तरफ से वी कैन स्टडी एंड वी कैन टर्न इट इनटू अ बिजनेस मॉडल. लोकल्स भी अर्न कर सकता है एंड देन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अर्न सम रेवेन्यू एंड टूरिस्ट कैन कम एंड एन्जॉय. Tourist means not from abroad, from all over India. Corporate young people like me, working in Bangalore, Bombay, inside the office all year. Bore ho gaya. Chalo, let's go to Nagaland mountain bike. I think that is the idea I want to sell. Great, great. जो मुझे खास बात लगती है ना इनफो तुम्हारी सारी बातों से कि not only you are a good campaigner raising issues, लेकिन आप बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हो. अच्छा. मतलब कोई चीज सोचते हो तो उसको ढंग से प्लान करके एग्जीक्यूट करते हो. सिर्फ ड्रीमर नहीं हो, सिर्फ आइडिएशन की बात नहीं, उसका एग्जीक्यूशन भी. करेक्ट. सो ये कैसे डेवलप हुआ? जो पुणे में काम कर रहा था फॉर द पास्ट 5-6 years, ऑल माय फ्रेंड्स वेयर फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, नॉट फ्रॉम नागालैंड. आई लर्न सो मच फ्रॉम देम क्योंकि आई लर्न अबाउट इकोनॉमिक्स, आई लर्न टू बी वेरी कैलकुलेटिव एंड एनालिटिकल, आई लर्न टू बी प्रैक्टिकल. और जो मेरा मैनेजर्स था दे ऑल्सो इंस्टिल अ लॉट ऑफ स्किल इन मी. सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड उसके बाद 2 साल गवर्नमेंट में, सो आई हैव स्टेप्ड इन बोथ वर्ल्ड्स. सो दैट काइंड ऑफ हेल्प मी टू हाउ टू पुट आइडियाज इन टू प्रैक्टिस. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग, हाउ टू बजट एंड हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट. एक और जो खास बात है ना आप में, वो ये है कि एक्टिविस्ट हो, कैंपेनर हो, लेकिन सरकार के साथ हमेशा कॉन्फ्रंटेशन में नहीं, मिल के कलाबरेशन में, उनके साथ मिल के कैसे काम करें बेटर रिजल्ट्स के लिए, ये भी आप में एक खास गुण है. करेक्ट. इनिशियली जब मैं थोड़ा यंग था वो टाइम में एग्रेसिव था, सो वी यूज टू सोशल मीडिया में भी थोड़ा केयरलेस है, वी जस्ट यूज टू राइट एनी थिंग वी वॉन्ट. बट ग्रेजुअली वी हैव टू लर्न दैट वेन वी पॉइंट वन फिंगर एट द गवर्नमेंट सेइंग यू आर द गवर्नमेंट, 3 more fingers are pointing back at me, you know, I am also the government. So if I am pointing my finger at the problem, I should also bring my other finger and point at the solution. Wo sikha maine. So if you are pointing at the problem, you should also bring out the solution. Not only bring out the solution, but work out a plan, strategy to execute and help the government, which ultimately you will benefit, no? So collaboration, I strongly believe in collaboration. अच्छा ये बताइए तो आगे जाके अब
नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में, दुनिया में इतने चेंजेस आ रहे हैं, आगे जाके क्या करने का इरादा है? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड माई इंटरेस्ट इज टू असिस्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू वर्क विद द यूथ्स. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम माई ओन किचन, मेरा ओन कॉलोनी से, आई एम फ्रॉम ऑफिसर्स हिल कॉलोनी. हम लोग एक और एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जीरो बजट का. वी आर मैपिंग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन द कॉलोनी. देर इज नो एड्रेसिंग सिस्टम इन कोहिमा. कुरियर विल नॉट कम टू योर हाउस. कल कुरियर ने फोन किया था आपका पार्सल आके उठाओ, बिकॉज देर इज नो एड्रेसिंग सिस्टम. कोहिमा इज लाइक अ वेरी अनऑर्गेनाइज सिटी विच ऑर्गेनिकली ग्रू, तो उसका हिसाब से एक जायंट स्लम का तरफ है, उसमें एड्रेस नहीं है. तो विद दैट चैलेंज हम लोग का ये जो कॉलोनी है, हम लोग का जो कॉलोनी है उसका यूथ्स मिलके ऑफिसर्स हिल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है. सो वी आर ट्राइंग टू यूज़ GIS टेक्नोलॉजी. वो GIS टेक्नोलॉजी यूज़ करके वी आर ट्राइंग टू मैप ईच एंड एवरी सिंगल हाउस होल्ड इन ऑफिसर्स हिल कोहिमा टू स्टार्ट विथ. सो दैट हम लोग एक वी कैन स्टार्ट अ मॉडल कॉलोनी, स्मार्ट कॉलोनी. बिफोर कोहिमा बिकम्स स्मार्ट सिटी, मे बी ऑफिसर हिल कैन बिकम स्मार्ट कॉलोनी. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द विजन वी हैव. So I think using that model, not only other cities in Kohima, Nagaland, but maybe in other parts of country, वहाँ पे जो Nagaland जैसा face कर रहा है situation, they can maybe use our model. That is the intention, जो addressing system का initiatives हम लोग का ये colony ले रहे हैं. तो with this vision, I think once the infrastructure is solid in Kohima, in Nagaland, infrastructure चाहिए North East में, basic infrastructure, core infrastructure, roadways, power supply, maybe good telecommunication, internet connectivity, and law and order. This four core infrastructure is in place. Forget Lucky's policy. Ek's policy will be automatically aa jayega usme. The Prime Minister has a great vision for North East, and I think he has a very good vision that will be translated into reality if this core infrastructure is in place. Just like me, a young entrepreneur, there are thousands of entrepreneurs जो जॉब क्रिएट कर सकता है. सो आई थिंक माई ड्रीम इज अल्टीमेटली इफ द गवर्नमेंट, वी कैन रियली टेल द गवर्नमेंट, रियली मेक देम अंडरस्टैंड, फॉरगेट एवरीथिंग, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ले कर लो, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज द गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया ना. सो इफ दिस साउथ ईस्ट गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया इज ओपन, देन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट विल प्रॉस्पर, द होल कंट्री विल प्रॉस्पर. एक साथ मिलके हम लोग, वी कैन रियली ग्रो एंड प्रॉस्पर टुगेदर. दैट इज वन ड्रीम आई हैव. आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू अचीव दिस ड्रीम, बट आई हैव दिस ड्रीम एंड आई थिंक आई कैन ऑल्सो प्ले, एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता है ये ड्रीम रियलाइज करने के लिए. बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो ये थे यानपवुओ किकोन. और कैसी लगी आपको हमारी आज की एक खास पेशकश, बताइएगा जरूर. क्योंकि आज मिलवाया हमने आपको नागालैंड से आने वाले एक ऐसे होनहार युवा से जिसने बड़ी मल्टी फैसेटेड जिंदगी अभी तक जी है. नागा ब्लॉग्स उन्होंने ईजाद किया, लोकल आर्टिस्ट को बेहतर प्लेटफॉर्म, बड़ा बाजार कैसे मिले इस कोशिश में वो लगे हुए हैं, और साथ ही साथ स्थानीय युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए भी जोड़ रहे हैं. और उनका अगला प्रयास तो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कोहिमा नागालैंड की राजधानी एक ऐसा शहर है जहाँ अभी तक एड्रेसेस ही डिसाइड नहीं हुए हैं. तो सही पते कैसे बने, शहर के सही एड्रेसेस कैसे बने, इस पे अब वो काम करेंगे. ऐसी एक अनूठी शख्सियत से अगले सप्ताह फिर मिलवाएंगे आपको इसी चैनल पर इसी समय पूर्वोत्तर के सितारे में. तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति. नमस्कार.